चैंपियनशिप से अब 3 रन दूर। एक हिट डिलिया के लिए 23 विकेट उनके नाम। तो 7 मुकाबले खेले शमी ने, ये बिल्कुल अब चाहेंगे किसके बैट से आएंगे। 137 पे ट्रैविस हेड, जिनके बैट से ये शॉट सीधा शुभमन गिल के हाथों में। डीप मिड विकेट पे शुभमन गिल तैयार, और शायद तकदीर को ये मंजूर किए विनिंग रन्स आए ग्लेन मैक्सवेल के बैट से, लेकिन ट्रैविस हेड का नाम हमेशा हमेशा के लिए जुड़ा रहेगा। फाइनल की शाम रिकी पोंटिंग और एडम गिलक्रिस्ट के बाद एक विश्व कप फाइनल में शतक एक ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज द्वारा। एक तरफा सा कर दिया इस मुकाबले को, 120 गेंदों पे 137। ग्लेन मैक्सवेल डीप पे दूसरे रन के लिए, ग्लेन मैक्सवेल वापस आते हुए, मैक्सवेल के बैट से आए होने वाले रन्स। छठी बार विश्व कप का ताज सजेगा ऑस्ट्रेलिया के सर पे, छठी बार विश्व विजेता। तोड़ के भारत के सपने को विश्व किया है अपना, टॉस से लेके ट्रॉफी तक, सिफर से लेके इस फाइनल के शिखर तक अहमदाबाद में आज की शाम दिया है अंजाम। रेप्यूटेशन पे खड़े होकर के ऑस्ट्रेलिया के द मेन इन येलो 2023 विश्व कप के चैंपियंस। 2011 से वो ट्रेंड शुरू हुआ था कि घर में आप विश्व कप जीतेंगे, वो चला 2019 तक, उससे बदला, उसे खारिज किया ऑस्ट्रेलिया की ये मजबूत टीम ने। भारत का, भारतीय फैंस का ये विश्व कप जीतने का तीसरी बार सपना तोड़ा। निराश है फैंस, और क्यों ना, क्योंकि उस तरीके से पूरे साल, उस तरीके से पूरे विश्व कप में, ये विश्व कप में दबदबा बनाया था भारतीय टीम ने, लेकिन आज की शाम उनके नाम नहीं, परेशान है, दुखी है। वो टीम जो डोमिनेट करती आई थी पूरी लीग स्टेज, जिसको डोमिनेट किया था सेमीफाइनल को, आज उसको इस फाइनल की शाम डोमिनेट किया है ऑस्ट्रेलिया ने। ये सपना जो एक साथ सजोया था, जो हकीकत से ज्यादा दूर नहीं था, हर डिपार्टमेंट में, हर मुकाबले में भारतीय टीम ने कसर नहीं छोड़ी थी, लेकिन आज एक बार फिर ऑस्ट्रेलिया ने बताया कि ये फाइनल्स के लिए बने हैं। कप्तान बदल दीजिए, टीम बदल दीजिए, गर्व जरूर महसूस होगा हर भारतीय को जिस तरीके से भारत ने इस पूरे विश्व कप में खेला है, लेकिन ये भी सच्चाई जिसे स्वीकारेंगे कि आज की इस फाइनल की शाम ऑस्ट्रेलिया बेहतर टीम थी, और ऑस्ट्रेलिया कहलाई जाएगी विश्व चैंपियंस अगले 4 सालों तक। बहुत उम्मीद थी रोहित शर्मा को T20 विश्व कप में सेमीफाइनल में बाहर हुए थे, उसके बाद खेलने का अंदाज बदला, इसीलिए उम्मीद भी बदली थी भारतीय फैंस की। बहुत निराश है, आंखें नम है, और क्यों ना, महसूस कर सकते हो आंखें नम। रोहित शर्मा ने पूरी जान लगाई थी बतौर कप्तान, इस टीम को तैयार किया था, इस टीम का मार्गदर्शन किया था। वो बल्लेबाज, वो कप्तान जिसने इस पूरी प्रतियोगिता में हर एक भावना को छुपा के रखा था, आज ये पल ये स्वीकारना आसान नहीं, इन आंसुओं को रोकना आसान नहीं। बहुत मेहनत की है रोहित शर्मा ने कि मैदान पे सबको मुबारकबाद देने के बाद शायद ड्रेसिंग रूम में, वहां की गुमनामी में शायद इन भावनाओं को बहने देंगे। दिल टूटा है रोहित शर्मा का, दिल टूटा है सभी भारतीय फैंस का, लेकिन एक कैंपेन जिसे पीछे मुड़ के देखेंगे उसमें बहुत खुशियों के पल बिखेरे इस भारतीय टीम ने, लेकिन आज की शाम सामने एक बार फिर अपनी जिद लिए अड़ गई ऑस्ट्रेलिया की टीम। पहली 2 मैचेस हारने के बाद इन कंगारू ने बहुत बड़ी छलांग लगाई, सीधा बने विश्व चैंपियन। किसी ने भी मौका नहीं दिया था, शुरुआत में लग रहा था कि शायद ऑस्ट्रेलिया क्वालिफाई भी ना हो, लेकिन चैंपियन बने। विराट कोहली सबसे ज्यादा रन बनाए इस विश्व कप में, वो ट्रॉफी लेके जाएंगे, लेकिन विश्व कप की ट्रॉफी इनके हाथ नहीं आएगी एक और बार। 2011 की विकेट क्योंकि जरूर थी पूरे भारतवर्ष की, लेकिन ऑस्ट्रेलिया आज अहमदाबाद में विश्व के सबसे बड़े मैदान पे अपने सबसे
जबरदस्त खेल को बाहर लेके आए इस प्रतियोगिता की उस सबसे मजबूत दिखती हुई टीम के सामने। 6 विकेट से इस फाइनल को जीत के ऑस्ट्रेलिया ने एक बार फिर से इतिहास में, अपने खूबसूरत इतिहास में चढ़ दिया है एक और अध्याय जीत का, एक और वर्ल्ड कप टाइटल का, 6वीं बार विश्व विजेता टीम ऑस्ट्रेलिया। Want another secret of my success?